भारत की मजबूती नहीं है। तो भाई साहब साइड में आइए, जब कम मकसद है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में दंगे होते रहे, हम मजहब की हम धर्म की आवाज देते रहे और सत्ता हासिल करके अपनी रोटी पानी अपना धन कमा करके दूसरे मुल्कों में बेचते रहे, ये इनका काम है। इनको जवाब कौन देगा? इनका जवाब आप लोगों को देना होगा। जिस तरीके से पंजाब के युवकों ने उन आतंकवादियों का मुकाबला किया जिन्होंने हजारों बहनों के सुहागों को लूटा, हजारों बच्चों को गोलियों से यतीम किया, हजारों बेगुनाहों को खत्म कर दिया, बम्बों से खत्म कर दिया, गोलियों से खत्म कर दिया, उनको पंजाब के युवकों ने उनकी AK-47 का जवाब किससे दिया? ये आजादी का तिरंगा झंडा पकड़ के क्या नारा लगाया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भारत धर्म ने। क्या इन नेताओं के मुंह से कभी ये सुना है? किसी पेपर में पुराने पेपर निकाल लो, अखबार निकाल लो पुराने, कि देश के लिए भी हमें कुछ करना है? नहीं, मुख्यमंत्री बनना है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बनना है। देश कहाँ है, भारत कहाँ है, इसकी कुर्बानी, इसकी शहादत, इसका खून कहाँ है, कुछ मालूम नहीं। खद्दर का कुर्ता पजामा पहनो और लोगों को गुमराह करो, आपस में दंगे कराओ और अपनी राजनीति करो। जिस तरीके से पंजाब में आतंकवादियों का मुकाबला किया आपके भाइयों ने, सरदार बेन सिंह, इस तरीके से आप युवकों को हर गली गली जाके ये कहना होगा, घटिया आदमी ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये कास्ट की राजनीति करते हैं, ये हर गली लोगों को बताना होगा। क्या जब जलियांवाला बाग में हमने खून बहाया था हमारे बुजुर्गों ने, क्या किसी एक का खून था उसको? हर मजहब हर धर्म के इंसान का खून बहा था। आप मेरा खून भी निकाल लीजिए, किसी मुस्लिम भाई का निकाल लीजिए, किसी हिंदू का, किसी और का, खून का रंग जो है वो भारतवासी का नजर आएगा, लाल नजर आएगा। आज गंदी राजनीति को छोड़ के हम लोगों को देश की राजनीति करनी होगी। अपने लीडर पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने पंजाब में अमन और शांति देने के लिए बड़ी बहादुरी से काम किया, असम में अमन और शांति दी, 10-10 साल हमारे दोनों स्टेटें आतंकवादियों से गुलाम, पता नहीं होता था आज किस बहन का सुहाग उजड़ जाना है, किस बच्चे ने यतीम होना है, किस भाई की गोलियों से हत्या होनी है, कुछ पता नहीं होता। नरसिम्हा राव जी ने किसका सपना पूरा किया? श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी का सपना पूरा किया। आज उस लीडर को, उस लीडर का संदेश आपको गली गली पहुंचाना होगा। आज मैं भी आपके सामने हूं, मैं भी मर गया होता, भगवान ने बचा लिया। कितनी बार बम्बों से हमले हुए, कितनी बार गोलियों से हमले हुए, जब जब भी हमले होते गए मन में एक ही हौसला बढ़ता गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में। आज शायद मैं चल ना पाता, मुझे याद है जब मुझे मेरे बहादुर नेता पीवी नरसिम्हा राव जी ने हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था, तो मैं पंजाब सरकार में मंत्री था, प्लास्टर लगा हुआ था, चल नहीं सकता था, दोनों टांगों में तकलीफ थी, एक में गोली एक में बम्बों से मेरी टांग खराब हो चुकी थी। संदेश आया कि आपको यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, शुक्रिया उन्होंने मुझे बना दिया। पर मन में यही था कि मैं अपने लीडर का संदेश लेके गली गली पीवी नरसिम्हा राव जी का कैसे जाऊंगा जब मैं चल नहीं सकता। बना दिया उन्होंने, मैं उनके पास गया, पहली मुलाकात थी, बोलने लगे तेरा ऑपरेशन कब? मैं कह इसी महीने 25 तारीख को मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो ऑपरेशन करवा लो। मैं क्या नहीं था, लोग कहेंगे किस लंगड़े को बना दिया, बच्चे की टांग ये खराब होती है हो जाए। आपने जो देश की मजबूती के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश के
विकास के लिए जो नारा दिया है उसको पूरा करके सिर्फ रुपए से करवाऊं। खराब हो जाएगी, पर इतना हौसला अपनी जी नरसिम्हाराव जी ने और देश के युवकों ने, देश के लोगों ने दिया कि आज मैं कुछ चलने के लायक हुआ आप लोगों की दुआओं से। कितना भी कठिन से कठिन काम हो, आप लोग अगर हौसला रखें, हिम्मत रखें, आप कर सकते हैं। पंजाब में तो गोलियां थी, पंजाब में तो बम थे, यहां बम गोलियां नहीं, पर अगर आप लोगों ने इस वक्त इस देश को इन फिरका प्रस्ताक्तों के खिलाफ, इन कास्ट और धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ अगर आपने आवाज ना उठाई तो ये लोग आने वाले वक्त पे वही करवाने की कोशिश करेंगे जैसे पंजाब और असम में हुआ।